हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो ये जो ब्लॉग शूट हुआ है, ये पूरा ब्लॉग काव्या ने बनाया है। मैं यहाँ पर घर पर थी, हमारे नए घर पर, तो वहाँ पर थोड़ा सा काम था जो करना था, तो ये वही कर रहे हैं। तो मैं ब्लॉग शूट करने के इरादे से बिल्कुल भी नहीं गई थी और मैंने ब्लॉग शूट भी नहीं किया है। तो ये काव्या ने लिया उठा कैमरा और ब्लॉग शूट करना शुरू कर दिया। मैंने उसको कहा भी था कि अभी घर में कुछ काम चल रहा है, ब्लॉग मत बनाओ। रात का समय था, ये संडे के दिन का ब्लॉग है। संडे को हम रात को थोड़ा सा लेट हो गया था, तो जब घर देखने गए थे क्योंकि हम नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट करने वाले हैं, तो फिर देख रहे थे कि कलर वगैरह करना है कैसे, मतलब सब कुछ देख चेक करने के लिए गए थे। तो कुछ काम ऐसा लग रहा था हमें कि ना हमारे मन मुताबिक नहीं किया है उन्होंने, तो इसीलिए फिर यहाँ पर कुछ जगह जगह पर ऐसे सीमेंट नहीं लगाया था, तो गैप दिख रहा था। तो ये देखो उसने कैसे भी शूट किया है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैंने उसको कहा भी था कि काव्या लाइट नहीं है, मैंने मोबाइल से एक टॉर्च लगाया था, तो मैंने उसको मना भी किया था कि काव्या व्लॉग मत शूट कर क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है, रात का समय है और क्या शूट करेगी तो अभी, क्योंकि अभी यहाँ पर काम चल रहा है। लेकिन वो फिर भी ब्लॉग बना रही थी। मैंने कहा चलिए आज काव्या को काव्या की मन की कर लेने देते हैं और उसको ब्लॉग बनाने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ गैप वगैरह नज़र आ रहे थे, तो वो ये ठीक कर रहे हैं और बाथरूम का काम कर रहे हैं अभी, और अभी कलर भी करना है क्योंकि कलर हमें अपने मन मुताबिक करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये काव्या ने शूट किया है, जो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। और ये अभी बाथरूम का काम हो गया है, तो अभी भी बहुत काम बाकी है। तो देखो काव्या हमारे आगे पीछे जा घूम रही है, व्लॉग शूट कर रही है। और मैं इनके साथ में इसलिए थी क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा, मतलब मैंने मोबाइल की टॉर्च पकड़ी है ताकि इनको दिखाई दे कि कहाँ पर मतलब सीमेंट वगैरह लगाना है, क्योंकि ना लाइट अभी तक कनेक्ट नहीं की है, लाइट नहीं आई अभी तक, मतलब रूम के अंदर लाइट नहीं है, बाहर पैसेज में लाइट वगैरह है लेकिन अंदर अभी तक लाइट का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसीलिए हम दिन में आना चाहते थे कि, लेकिन लेट हो गया, दिन में नहीं आ पाए। तो फिर हमने कहा चलिए फिर जो भी काम अभी मतलब बाकी उसे अभी कर देते हैं क्योंकि अगले महीने में शिफ्ट करेंगे, तो फिर अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी, कलर वगैरह अभी ही करना है इसमें। नवरात्रि के बाद हम शिफ्ट करेंगे, तो नवरात्रि है जैसे कि इस महीने में 15 तारीख को, और सॉरी नेक्स्ट मंथ में नहीं, इसी मंथ में इरादा है हमारा शिफ्ट करने का दशहरे के बाद। तो देखते हैं अभी क्या करने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पर काम जितना है वो कर लेते हैं और कलर वगैरह भी करना है। तो यहाँ पर देखिए ये वही कर रहे हैं और काव्या बार बार कैमरा हिल रहा है उससे, क्योंकि ये काव्या का पहला ऐसा व्लॉग है जो काव्या ने अकेले ने शूट किया है। मैंने बिल्कुल भी कैमरा नहीं लिया था, वो खुद ही शूट कर रही थी, तो उसे जैसा बन रहा है वो वैसा कर रही है। अभी हम किचन में आ गए हैं और वो देखे पूरा कैमरा हिल रहा है, कभी हाथ लगा रही थी तो कभी देखे उसका, पता नहीं उसने कैसे शूट किया ये। तो यहाँ पर देख रही, ज़रा ज़रा सा गैप दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये ऐसे ही बहुत सारे के गैप जो है बाथरूम में, हॉल में, बेडरूम में से थे, तो ये उनको ठीक कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ हस्बैंड का और बेटी का लंच, क्योंकि ये जाएंगे ऑफिस और काव्या जाएगी आज स्कूल। तो यहाँ पर आज बुधवार का दिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अंडे की भुर्जी बना दूँ। चपाती बन चुकी है पहले से ही, तो मैंने कहा चलिए अब ब्लॉग स्टार्ट हो गया है मेरा। तो यहाँ पर हम दिन में आए थे देखने के लिए कि दिन में किस तरीके से घर दिख रहा है, हमेशा जाते हैं तो रात को ही जाते हैं, तो आज मैंने कहा चलिए सुबह जाकर देख कर आते हैं। तो ये ऑफिस जा रहे हैं और हम घर जाएंगे अभी यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से अभी दिन में दिख रहा है और अच्छा, मतलब उजाला है अच्छे तरीके से, दिन में लाइट की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये बाहर का नज़ारा पैसेज का। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जो है मैं काव्या को छोड़कर आई, काफ़ी टाइम हो गया मुझे, तो आने के बाद मैंने घर के थोड़े बहुत काम किए हैं और थोड़े बहुत काम बाकी। मैं टीवी देख रही थी, मैंने सोचा कि अभी टीवी देख देखते बाकी काम करती हूँ, और सोचा अपना ब्लॉग जो है ये कब से स्टार्ट है इसको देखते हैं अभी शाम तक कितना कंटिन्यू कर पाती हूँ। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी हो रहा है शाम का वक्त और मैं यहाँ पर हो रही थी तैयार क्योंकि मुझे जाना है काव्या को स्कूल से लेने के लिए। तो मैंने कहा चलिए फिर आप लोग भी चलिए मेरे साथ। और सब मैंने खिड़की, दरवाजे, लाइट वगैरह सब ठीक से चेक कर लिया, बंद कर दिया है ताकि मैं अब जा रही हूँ बाहर, क्योंकि आते आते आधा घंटे तो लग ही जाएगा।
तो अब मैं चलती हूँ रेडी होकर काव्या को लेने के लिए। तो मैंने कहा चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं शाम तक, और फिर इसके बाद देखते हैं आगे का क्या शूट कर पाती हूँ मैं, क्योंकि आजकल ब्लॉग शूट करने का टाइम ज़रा सा मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे काम हैं और कुछ रूटीन हमारे थोड़े से बिगड़ गए हैं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता कैसे क्या करना है। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग कोशिश तो कर रही हूँ डेली शूट करने की। तो ये ब्लॉग तब स्टार्ट है जब मैं काव्या को लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ पर काव्या को जाना है दुकान पर, उसको थोड़ी सी खांसी हुई, फिर भी उसको बेकर कुरकुरे खाने होते हैं, तो मैंने आज उसको नहीं दिलाए हैं, तो वही रो रही थी वो। अभी हो रहा है रात का टाइम, 9 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ अभी दाल को तड़का देने, और यहाँ पर काव्या कार्टून देख रही है, और अभी मैं जाऊँगी दाल को तड़का देती हूँ, और ये अभी तक आई नहीं है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि चलो साथ ही साथ में चाय भी बना देती हूँ, और मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेरे और काव्या के लिए थोड़ा सा नाश्ता। तो यहाँ पर मैंने कांदा लिया है, टमाटर लूँगी और थोड़े से चने और सिंगदाने, थोड़े से मैंने काजू भी इसमें ऐड कर दिए। तो इसको अच्छे से तवे पे भून करना हम इस तरीके से, इसको नमक और मिर्च नमक डालेंगे और थोड़ा सा हम डालेंगे नींबू का रस, तो बहुत अच्छा और टेस्टी लगता है ये, लेकिन मुझे थोड़े से जल गए ये। उसके बाद मैंने एक पार्सल, मेरा पार्सल आया, मैंने ऑर्डर किया था ये मिनी मशीन, तो जैसे ये दिखने में और ये आई ना, तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो भाई मेरी मशीन आ गई, क्योंकि जैसे ही आप लोग जानते हैं नवरात्रि आने वाली है, तो मुझे कुछ मंदिर के लिए कपड़े बनाने थे, पर्दे वगैरह सिलने थे, तो इसलिए मैंने ये छोटी सी मशीन ऑर्डर की थी, लेकिन ये मशीन ख़राब निकली और मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने मशीन इतने अच्छे दिल से मंगाई और वो मशीन चली ही नहीं, ख़राब हो गई, तो ये मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी। तो ये मैं कैंसिल कर दूँगी और देखते हैं अभी बड़ी मशीन ही लेंगे बाद में। तो ये व्लॉग ना मैं यहाँ तक ही रखती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे व्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।